इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड से। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर में आज सुबह 3:43 पर मुंबई हावड़ा मेल की 18 बोगियां बेपटरी हो गई। बता दें कि यहां पर पहले से ही एक मालगाड़ी ट्रैक के पास डिरेल थी। मुंबई हावड़ा मेल पटरी पर गिरे मालगाड़ी के कोच से टकराई और डिरेल हो गई। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने का समाचार भी सामने आया है, जबकि 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि सभी घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल में लाया गया है। यहां पर मौके पर रेलवे के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, जो घटनास्थल का जायजा लेते हुए घायलों की स्थिति पर अपडेट प्रशासन को दे रहे हैं। इस मामले को लेकर चक्रधरपुर रेलवे मंडल के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी का कहना है कि रिलीफ ट्रेन और जिला प्रशासन की ओर से तमाम एम्बुलेंस घटनास्थल की ओर रवाना की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ये हादसा आज सुबह लगभग 3:43 के आसपास हुआ। उन्होंने कहा कि डाउन लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से ही पटरी से उतर गई थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया है। वहीं आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि झारखंड में पिछले 6 महीनों के दौरान 3 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। बता दें कि पहला हादसा 18 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी, जबकि दूसरा हादसा 28 फरवरी 2024 को हुआ था, जिसमें भी 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे, और आज तीसरा हादसा 30 जुलाई 2024 को हुआ है, जिसमें अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार रेलवे विभाग अपनी लापरवाही से कब सबक लेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर झारखंड के सीएम का कहना है कि रेल हादसे के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगी, और इस मामले को लेकर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने मरने वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की है और घायलों के तुरंत स्वस्थ होने की भगवान से कामना की है। सुबह 3:40 में घटी है, और जैसे हम लोगों ने अभी देखा है कि जैसे लगता है कि ये जो गुड्स ट्रेन जा रही थी उसका वो जो तिरपाल होता है वो तिरपाल उड़ा और वो लगता है कि वो इंजन के आगे आ गया, जो मेल का अपना मुझे मेल का, और जिसके कारण हमको लगता है कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक मारा है। उसके बाद ये घटना घटी है, बड़ा ही दुखदायक घटना है और काफी लोगों को चोट लगी है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, और अभी गैस कटर से काटा जा रहा है और काटने के बाद पता चलेगा कि फिर अंदर में कितने लोग जख्मी हुए हैं या मृत्यु हुई है। लेकिन काफी बड़ी घटना है और इतनी जोर की आवाज थी कि क्या बताएं, बहुत जोर की आवाज थी। अपना सेवा में लग गया।
खैर देश में बढ़ते रेल हादसों को लेकर हम जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक क्या कहना चाहते हैं, तो अपने कमेंट हमें जरूर करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।